आम आदमी पार्टी राजस्थान छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति की प्रदेश सोशल मीडिया इंचार्ज जमुना कुमारी कीर ने कहा है कि कोरोना काल में संपूर्ण राजस्थान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। जब कमाई के साधन लॉकडाउन के कारण बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, गरीब जनता को दो वक्त का खाना उपलब्ध नहीं हो रहा, इस स्थिति में आम नागरिक बिजली का बिल कैसे चुकाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर बिजली बिल माफी की मांग की। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा की थी। कांग्रेस हाई कमांड दूसरे राज्यों में फ्री बिजली की मांग व चुनावी वादे करते हैं, तो बिजली उत्पादक राजस्थान प्रदेश की जनता को बिजली फ्री देने की बात क्यों नहीं करते। आम आदमी पार्टी राजस्थान की मांग है कि अप्रैल व मई माह की बिजली के बिल माफ किए जाएं व बिजली की तर्ज पर दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में भी 200 यूनिट बिजली फ्री की जाए। आम आदमी राजस्थान ने बिजली बिल माफी की मांग को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कोरोना संक्रमण काल होने के कारण आप राजस्थान आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। पार्टी की ओर से हैशटैग बिजली बिल माफ करो गहलोत सरकार चलाया जा रहा है, जिसमें नेता कार्यकर्ता और आप पार्टी के समर्थक आज सुबह से ही इसी ट्रेंड करवाने में लगे हुए हैं। राजस्थान के चार संभागों में आज तेज हवा के साथ बरसात की संभावना है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को भी जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग में मंगलवार को एक दो स्थानों पर मेघ गर्जना व तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की हो सकती है। आज से मिलेगा सरसों का शुद्ध तेल, मिलावट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई 2021 तक कर दिया है। इसे महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है। युवाओं के फ्री वैक्सीनेशन को लेकर विधायकों, मंत्रियों और नौकरशाहों से ली गई आर्थिक सहायता युवाओं के फ्री वैक्सीनेशन से गहलोत सरकार का पर था 3,000 करोड़ का आर्थिक बोझ। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब नहीं पड़ेगा 3,000 करोड़ का आर्थिक बोझ। एमएलए फंड और नौकरशाहों के वेतन कटौती से आया पैसा अब कहां होगा खर्च।